गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आदेश हुआ था मुझे के मालिश पर कुछ मसाज पे कुछ जानना चाहते थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज का। अच्छा, अब सूचनाओं का क्रम में आप लोग तो बिल्कुल हमारे जो है पुराने साधक हैं, सभी को सूचनाएं पता है, लेकिन अब इन सूचनाओं का महत्व तभी है जब आप उसको आगे प्रचार करें। हमारे जो है अब 2 नवंबर से शक्ति कार्यक्रम शुरू हो रहा है और हमारा जो है रेगुलर इतना अच्छा मंत्र साधना का है, तो आप प्रत्येक व्यक्ति से मेरा अनुरोध है कि सभी को और आप लोग में से बहुत लोग साधक जो है, बहुत बहुत लोगों को आप लोगों ने जोड़ा है, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। आप लोग लगे हुए हैं लेकिन फिर भी संख्या घट रही है, तो इतना अद्भुत अनूठे हमारे प्रोग्राम है। और आप जानते हैं कि 15-15, 20-20 हजार चार्जेस हैं अगर आप कहीं कोर्सेज देखें तो। हमारा तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही नाम मात्र चार्जेस हैं, तो इतना होने पर भी मुझे तो लगता है लोगों को बस शायद लोगों तक बात नहीं पहुंच पा रही है, लोगों को पता नहीं चल पा रहा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। एडमिन अनामिका बेटा रिकॉर्डिंग, हाँ जी हाँ, थैंक यू। सो या थैंक यू अनामिका। इस तरह से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करें आपका जो है ध्येय, जैसे कि हमारा यही होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं इन कार्यक्रमों के बारे में। तो आज का विषय साइंटिफिक मसाज यानी के वैज्ञानिक मालिश। यूं तो मालिश जो है इसका इतिहास बहुत पुराना है और हम लोग देखते आए हैं कि विभिन्न जगहों पर जैसे पहले अखाड़े होते थे, व्यायाम शालाएं होती थी, मालिश का बड़ा प्रचलन था। और घर में जो है घरों में माताएं जो है जब शिशु को थपथपाती हैं, रोते से जब उनको थोड़ा सा सांत्वना देती है, तो भी एक वो मसाज का ही थपथपाना एक प्रकार होता है। और बच्चों की हड्डियों की मजबूती के लिए आज भी हमारे भारत में मालिश का प्रचलन है। और इस तरह से मालिश का तो जो है प्रचार और प्रसार बरसों से होता आया है, लेकिन जो मालिश को वैज्ञानिक रूप देने का जो श्रेय है, विशेषकर स्टॉकहोम के रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर पीटर हेनरी लिंग को दिया जाता है, जिन्होंने इस प्रचलित मालिश के ढंग को, जो आज स्वीडिश मूवमेंट के नाम से प्रसिद्ध है, वास्तव में मालिश के सही वैज्ञानिक ढंग को समझाया है, जिसे हम जो है अपने केंद्रों में, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में अपनाते हैं। तो साइंटिफिक मसाज जो है सबसे पहले 3000 BC में जो है चाइना में सबसे पहले पॉपुलर थी। फिर उसके बाद जो मसाज जो है जापान में वहां से प्रचलन हुआ, यूरोप में, रोम में, टर्की में, इजिप्ट में, फ्रांस में, मतलब इट वाज वेरी वेरी पॉपुलर। और लगभग 460 BC में हिपोक्रेट्स, जो फादर ऑफ मेडिसिन जिसे, हालांकि वो एलोपैथिक मेडिसिन डॉक्टर थे, मेडिसिन के डॉक्टर थे, लेकिन उनका अटूट विश्वास जगह जगह के प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास में हमें उनका उल्लेख मिलता है कि उन्होंने, उनका इतना विश्वास था और उन्होंने जो है उस समय पर अपने पेशेंट्स को जो है वो मेडिसिन के साथ मसाज थेरेपी भी देते थे। और हमारे भारत में कितने ग्रंथ हैं, जैसे कि चरक संहिता है, उसमें डिटेल में जो है हमें इसके मसाज के, मालिश के बारे में बताया जाता है। अब जो है मालिश का फायदा क्या है, वाय मालिश, मालिश से होता क्या है। हमारे जो मालिश का जो हम मालिश, देखिए कई प्रकार की है। हम लोग कई जगह, जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि खुश्क या शुष्क घर्षण भी हम जो कहते हैं, पूरी बॉडी को जो मैं बताती हूँ नहाने का तरीका, कि नहाने से पहले आप पूरी बॉडी को रब करिए, वो भी एक मालिश का तरीका है। उसको जो है कस के रगड़ना जब तक कि बॉडी लाल हो जाए। तो इन सभी विधाओं से, मालिश के जितने भी हम प्रकार, चाहे तेल से करें,
चाहे खुश्क हाथ और ड्राई मसाज करे, इन सभी का जो फायदा होता है वो ये होता है कि हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड, और हमारा जो सिस्टम है उसका फंक्शन और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन से जो है हमारे बॉडी की जो इम्प्योरिटीज हैं वो ड्रेन आउट आने होने में अलग अलग पॉइंट्स पे जो स्टोर्ड हो जाती हैं और डिफरेंट पॉइंट्स में, तो हमारी जैसे सांस के द्वारा, पसीने के द्वारा और स्टूल के द्वारा, यूरिन के द्वारा, तो वहां का जो निष्कासन है वो और ज्यादा सक्रिय और एक्टिवेशन उसमें ज्यादा आ जाता है। यूं तो हरदम होता ही है निष्कासन, लेकिन जब आप मसाज करते हैं तो वो सारे निष्कासक अंग और भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और एफिशिएंटली काम करते हैं। और जैसे हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और पैनक्रियाज है, ये सारे के सारे जो है बहुत स्मूथली और एफिशिएंटली काम करने लग जाते हैं। अब जो पेशेंट्स हैं उससे जो है वजन जिनको घटाना है, इवन फैट रिडक्शन में भी मालिश का जो है बहुत बढ़िया उसका प्रावधान है, और उसका उससे भी जो है मसाज जो है जो फैट है वो जो है उसकी बर्निंग होती है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एलमेंट्स लाइक रूमेटिज्म, पैरालिसिस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेडेक, मस्कुलर एट्रॉफी जैसे अन्य प्रॉब्लम्स में भी मसाज को जो है बहुत लाभकारी माना गया है। अब जो हमारे जो पोर्स हैं स्किन के, वहां पर जो है उनकी जो है एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ रेस्पिरेशन इंप्रूव होती है। जो हमारी वेन्स और आर्टरीज हैं उसके अंदर जो इलास्टिसिटी है, धीरे धीरे जब हमारे उम्र के हम आगे आगे पड़ाव पे बढ़ते जाते हैं, हमारे शरीर की जो इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो प्लास्टिक में कन्वर्ट होने लग जाती है, हार्डेंड ऑफ द आर्टरीज होने लगती है। लेकिन अगर आप मसाज का नियमित प्रयोग कर रहे हैं तो वो इलास्टिसिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहती है। और क्रॉनिक डिसीजेस में जैसे कि स्किन जो है अपनी वाइटालिटी लूज कर देती है, इससे भी जो है हमारा जो स्किन का विगर और वाइटालिटी मसाज से फिर से जो है वो कांतिमय हो जाती है। और ज्यादा अक्सर जब एक उम्र के बाद जो अधिक वृद्ध लोग हैं, कमजोर लोग हैं या बीमार लोग हैं, क्रॉनिक एलिमेंट से सफर कर रहे हैं, जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी जो है मसाज जो है, जो फिजिकल एक्टिविटी खुद नहीं कर सकते उनको भी मसाज द्वारा जो है उनकी एक्सरसाइज जो है करवाई जाती है, और उससे जो है उनका ब्लड सर्कुलेशन और उनके पूरे जो है सिस्टम में काफी ज्यादा उसमें जो है रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट देखी जाती है। अब जो इफेक्ट ऑफ मसाज एक-एक सिस्टम पर किस तरह से प्रभाव डालता है, जैसे अगर हम इफेक्ट ऑफ मसाज ऑन हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, यानी कि हमारा जो है जो हार्ट और आर्टरीज वेन्स का सिस्टम मिलके जो सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है उसमें जो है हमारी जो मसाज है वो किस तरह से हमको फायदा पहुंचाती है कि मसाज से इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द ब्लड सर्कुलेशन। हमारा जो रक्त का प्रवाह है उसका जो है प्रवाह पर डायरेक्ट हमारा प्रभाव पड़ता है मसाज से। जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स यानी के जिनके भीतर से ब्लड जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वो जब हम मसाज करते हैं तो मसाज से घर्षण से एक गर्मी, एक ऊष्मा पैदा होती है जिससे कि ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, और ये डायलेशन है यही हमारा जो इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो करता है। और जैसे ये ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है तो ब्लड के थ्रू, ब्लड तो ट्रांसपोर्टेशन है और ये न केवल हमारे न्यूट्रिएंट्स एक-एक सेल को पहुंचाता है बल्कि वहां के टॉक्सिक मैटर को भी निष्कासक अंगों तक ले जाता है। तो ये दोनों क्रियाएं बड़ी ही सुचारू रूप से मसाज की मदद से होती हैं। और हमारे जब एक-एक ऑर्गन, एक-एक कोशिका को जब न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है तो हर एक ऑर्गन एफिशिएंटली और हमारे जो है रिप्लेनिशमेंट हो जाती है न्यूट्रिटिव वैल्यू की इस मसाज द्वारा। और हमारे जो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं
उनके स्रावों में, उनके सिक्रीशन में, ग्लैंड्स में एक्टिवेशन जो है बढ़ जाता है और उनका जो है संतुलित जो स्राव है वो शुरू हो जाता है। और जैसा मैंने कहा, वेस्ट मटेरियल का भी हमारा निष्कासन प्रारंभ हो जाता है। और मसाज एक्टिवेट्स आर्टीरियल प्रेशर, द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू मसाज कॉजेस इंक्रीज ब्लड फ्लो, और हमारे लंग्स, स्किन, इंटेस्टाइन, किडनी और इन सभी के कार्य जो है बहुत ही तेजी से बढ़ जाते हैं। अब कई बार क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड इन आर्टरीज कॉजेस कोल्ड हैंड एंड फीट, यानी कि जहां पर ठंडक लग रही है वहां पर ब्लड सप्लाई, जैसे कि अभी हमारे एक साधक ने कहा कि पैर ठंडे हो गए, तो वहां पर ब्लड सप्लाई अगर कम है जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर ठंडे हैं, तो वहां पर जो है आपको अगर मसाज करेंगे ल्यूकवॉर्म ऑयल से, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल है, चाहे वो तिल का तेल है, सर्दियों में तिल का तेल गर्म होता है तो वो यूज कर सकते हैं, हल्का गुनगुना अगर आप मसाज करेंगे तो वहां का जो है, जो ठंडक है, जो लैक ऑफ ब्लड है वहां पर जो है फ्लो इम्प्रूव होगा और धीरे धीरे आपका वो जो ठंडक वहां पर नॉर्मलाइज हो जाएगा। हमारे रेड ब्लड सेल काउंट में और WBC यानी कि हमारी हेल्थ डिपेंड करती है RBC पर, हमारी इम्यूनिटी डिपेंड करती है व्हाइट ब्लड सेल पे, और इन सभी की क्वालिटी हमारी मसाज से देखिए कितनी अच्छे से इम्प्रूव होती है। और अब इस मसाज से, यानी के कहने का तात्पर्य है कि हमारी इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी देखिए यहाँ बढ़ती है। और बेटर सर्कुलेशन मीन्स बेटर न्यूट्रिशन एंड बेटर एलिमिनेशन एंड विच इज द की टू हेल्थ। इसके बाद अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें कि हमारे जो क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम पे अगर हम मसाज करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम पे कैसे पड़ता है। हमारे नर्वस सिस्टम पे मसाज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जो हमारे नर्व्स कंट्रोल करते हैं पूरी बॉडी के फंक्शन, पूरा एक वेब ऑफ नेटवर्क ऑफ जो ये कम्युनिकेशन है हमारी बॉडी में, वो नर्व्स और न्यूरॉन्स के थ्रू जो मैसेजेस जाते हैं, और जब ये मसाज द्वारा ये नर्व्स एक्टिवेट होते हैं तो मसल्स, ब्लड कैपिलरीज, ग्लैंड्स, ये सब एक्टिवेट होते हैं। और हमारे जो नर्व्स है, हमारे जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो वो बहुत स्टिफ टाइटन हो जाते हैं, और जब हम मसाज करते हैं तो उनमें एक रिलैक्सेशन आती है, यानी कि हमारा, जब आप स्ट्रेस में हो, जब आपका मान लीजिए हेडेक हो रहा है, तो जरा सा आप जैसे बादाम रोगन अगर आप अपने टेम्पल्स पे हल्का हल्का यहाँ मसाज करेंगे, व्हेन यू आर फीलिंग अ टेरिबल हेडेक, तो आपके वहां पर जो जो टाइटनिंग ऑफ द नर्व्स है वो रिलैक्स होगी, और जैसे ही वो नर्व्स रिलैक्स होंगी तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा। नर्वस सिस्टम में मसाज के थ्रू पाया गया कि इट रिलीजेस एसिटाइल क्लोरीन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन लेवल्स, ये सारे के सारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो सूदिंग हार्मोन्स हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन देते हैं, उनका जो है सिक्रीशन होता है, एंड यू फील अ सेंस ऑफ कामनेस एंड रिलैक्सेशन आफ्टर यू गेट अ गुड मसाज। ये अनुभव भी किया होगा। और कुछ कुछ लिटिल प्रेशर जो हम नर्व्स पे डालते हैं उनसे भी जो है हमारा जो है पेन रिलीफ दूर होता है और हमारा स्ट्रेस दूर होता है। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा देखिए सिंपल मूवमेंट्स ऑफ मसाज से हमारे को कितने सारे बेनिफिट होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में, और द प्रॉपर फ्लो ऑफ द ब्लड इज मेड पॉसिबल इन द एंटायर सिस्टम, और इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी इम्प्रूव हो जाती है, जो स्टिफनिंग और हार्डनिंग ऑफ द मसल्स है वो दूर होती है। और इस तरह से अगर हम बात करें, अगर मस्कुलर सिस्टम की बात करें कि मसाज का कितना गहरा प्रभाव हमारे मस्कुलर सिस्टम पे होता है, तो जब मसल्स यानी कि हमारा जो आवरण है मसल से है, हर एक हमारी जो क्या कहते हैं ऑर्गन्स है मसल्स लिगामेंट से ही कनेक्टेड है,
और जब हम इन मसल्स को मसाज करते हैं तो उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव करती है। और मतलब जब उनकी मसल्स की जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम जितना भी काम करें तो हम थकते नहीं हैं, क्योंकि वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन और प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई होनी शुरू हो जाती है। तो हम कितनी देर भी काम करें तो वी डू नॉट फील टायर्ड, सच ए पावरफुल इम्पैक्ट ऑन मसल्स दिस मसाज हैज। और हमारी, जैसे मैंने कहा, इलास्टिसिटी, तो मसल्स की जो स्टिफनिंग है जो विद एज और नॉन यूज ऑफ, देखिए जो हम हाथ पैर जो रेगुलर मसल्स यूज करते हैं वो तो यूज होती रहती हैं और उनकी इलास्टिसिटी फिर भी कुछ हद तक बनी रहती है, लेकिन कुछ ऐसे हमारी मसल्स हैं जिनको हम यूज नहीं कर पाते। देन द मसाज इज द बेस्ट वे टू एक्सरसाइज दोज मसल्स एंड मेक देम एक्टिव एंड मेक देम हेल्दी एंड देन दे कैन वर्क एफिशिएंटली फॉर अस। एंड इसके साथ साथ हमारी जो एनर्जी लेवल है वो भी जो है हमारा, और अल्टीमेटली हमारे जितनी आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गेन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड मसल्स ओनली, तो उनके उनकी स्टिफनिंग और हार्डनिंग जब तक रहेगी तो हमारा ब्लड फ्लो विल नॉट फ्लो इजिली थ्रू एंड वी विल सफर फ्रॉम मेनी एलिमेंट्स। एंड वेन दैट इलास्टिसिटी इज रीगेन्ड, द फ्लेक्सिबिलिटी, सो देन हमारा जो है प्रॉपर वर्किंग के साथ, एफिशिएंसी के साथ, मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, तो हमारे ब्लॉकेजेस सारे दूर होते हैं। कई बार फैट के जो है लम्ब्स बन जाते हैं बॉडी के, पूरी बॉडी के ऊपर जगह जगह पे, और इस तरह से गांठें बन जाती हैं शरीर में, एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। सो ऐसे केसेस में भी व्हेन वी मसाज देन धीरे धीरे दोज जो गांठें हैं वो खुलती हैं और वहां पर जो कंजेशन है, जो ब्लॉकेज है, वो धीरे धीरे दूर होता है। इलास्टिसिटी प्लस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कॉजेज द ब्लड टू फ्लो इन ईच एंड एवरी पार्ट, उसकी टोनालिटी बढ़ती है। और जो भी हम खाते हैं, देखिए जब हमारे पाचन तंत्र में देखिए आते हैं, वो भी एक प्रकार की मसल से ही बनी हुई है, तो जब उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी तो जो हम खाएंगे वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो पाएगा, एसिमिलेट हो पाएगा। तो इस तरह से हाउ मच पावरफुल इम्पैक्ट दीज मसाजेस कैन डू। लिम्फेटिक सिस्टम विच हमारा जो है ड्रेनेज सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ चलता है, इसकी वर्किंग जो है वो भी बहुत इम्प्रूव होती है। और हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम का काम है वो हमारे सिस्टम की जो है नॉर्मेलिटी ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करता है, और ये हमारे टिश्यूज से वेस्ट ले जाकर और वहां से ब्लड से ले जाके निष्कासक अंगों तक पहुंचाता है। तो पॉइजनस मैटर जो है, अगर हमारे इस लिम्फेटिक सिस्टम की कार्य क्षमता कमजोर है तो वो जो टॉक्सिक मैटर है वो हमारे भीतर ही रह जाएगा एंड इट विल अफेक्ट वेरियस ऑर्गन्स, इट विल अफेक्ट द ब्लड सर्कुलेशन एंड इट विल कॉज वेरियस एलिमेंट्स। वेयर एज वेन वी आर डूइंग द मसाज द लिम्फेटिक ड्रेनेज इज इम्प्रूव्ड मैनी फोल्ड्स एंड द पॉइजनस एंड द टॉक्सिक मैटर इज इजिली टेकन आउट थ्रू आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड आवर बॉडी रिगेन्स आवर हेल्थ एंड द लिम्फेटिक काउंट, और जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स हैं जो हमारे बीमारियों में हमारे लिए एक तरह से हमारी फौज है हमारे भीतर की उन रोगों से लड़ने की, तो वो सेल्स की भी जो संख्या है वो बढ़ जाती है, यानी कि हम और सशक्त और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें, देखिए कितने सारे हमारी बॉडी जो है कितनी मिराकुलस है। स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या है? ये जो हमारे बोन्स का ढांचा है, हमारे एक एक अंग प्रत्यंग सर से लेके पांव तक बोन्स है विच आर कवर्ड माय मसल। तो स्केलेटल सिस्टम में जो है जब मस्कुलर सिस्टम इम्प्रूव होता है तो हमारे स्केलेटल सिस्टम जो कि कनेक्टेड है
क्या कहते हैं बोन्स और मसल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, लिगामेंट्स, तो उनका जो सबसे पहले तो जो शिशु काल में अगर कोई बच्चे को रेगुलरली, जब इसीलिए ये हमारी परंपरा में हमारी ट्रेडिशन में मसाज की जो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, क्योंकि जब बच्चे को बचपन से उसका जो है माँ उसको ऑयल से मसाज करती है और धूप में उसको स्पेशली सर्दियों में मसाज करा के, और उसको बल्कि धूप में ही करी जाती है तो उसका और दुगना इफेक्ट होता है, तो बच्चे की जो ग्रोथ ऑफ द बोन्स है वो प्रॉपर होती है, माल न्यूट्रिशन नहीं होता, जो कैल्शियम बोन्स को सप्लाई होना चाहिए और विटामिन डी से और मसाज की मदद से, तो जो डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एट अर्ली स्टेज है चिल्ड्रन में, जो मसाज है वो हेल्दी बोन्स और मसल्स को डेवलप करने में मदद करती है, और जो बोन्स की डिसीज जो बच्चों में बहुत कॉमन हो जाती है रिकेट्स करके, यदि रेगुलरली मसाज बच्चों को दी जाती है तो इस बीमारी से, जो हड्डियों की बीमारी है, उससे भी उनको काफी जो है छुटकारा मिलता है। इसके साथ जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, जो स्ट्रोकिंग ओवर द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है अगर हम करते हैं नाभि के इर्द गिर्द, जब भी फुल बॉडी मसाज की जाती है तो एक एक अंग प्रत्यंग पर जो है डिफरेंट स्ट्रोक्स की जाती है, तो जब हम नाभि के इर्द गिर्द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को जब हम मसाज करते हैं तो हमारी पैरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है इम्प्रूव होती है, इसको स्ट्रेंथ मिलती है, और हमारी निष्कासक क्षमता एसिमिलेटिव क्षमता जो है वो बढ़ती है कई गुना, और इससे जो है हमारे कॉन्स्टिपेशन, अक्सर क्या होता है जब मल जो है आंतों में पड़ा पड़ा, जब जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिविटी नहीं करते, बैठे बैठे यदि हम खाते रहें तो मल वहां से मूवमेंट में बहुत दिक्कत होती है, कई बार वहां मल जो है पड़ा पड़ा कड़ा हो जाता है, सूख जाता है, जिसके चलते लोगों को कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी एसिडिटी, गैस और कई पॉइजन, क्योंकि जब मल जो है पड़े पड़े हमारे भीतर सड़ रहा है वो निकल नहीं पा रहा, लेकिन जब हम मसाज की प्रक्रिया एब्डोमिनल मसाज जिसे कहते हैं, हम जब करेक्ट वे में, देयर इज अ साइंटिफिक मेथड एंड हर अंग प्रत्यंग के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रोक होती है, इसीलिए ट्रेंड जो है मस्यूज से ही हमें जो है मसाज करानी चाहिए, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां वो दूर होती है और छोटी आंत हमारी एक्टिवेट होती है। अब छोटी आंत में हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ सीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसके भीतर विलाय लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जितना भी पच के खाना वहां पहुंचता है तो वहां से एसिमिलेशन प्रक्रिया शुरू होती है। जब ये प्रक्रिया हैम्पर होती है, यानी कि जब हमारी शिथिलता होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो विलाय ठीक से काम नहीं करते। प्लीज म्यूट करें, दिस वॉइस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट प्लीज। सो दैट वे हमारा जो है पाचन तंत्र एक्टिवेट होता है। प्लीज ऑल आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट देयर माइक्स, थैंक यू। एंड इस तरह से हमारा जो है लिवर है, इंटेस्टाइन है, गैस्ट्रिक जूसेस है, जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस है, दे इनकी पावर जो है बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, हमारी लंग कैपेसिटी की बात करें, तो हमारे जैसे अस्थमा के पेशेंट है, अस्थमा के अगर पेशेंट हैं और या कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड किडनी को भी अगर दिक्कत है, तो वो ये जो तिल का मैंने बताया हुआ है, 50 ग्राम तिल का तेल आप लें, उसमें 6 कलियां लहसुन की अगर उबाल लें 10 मिनट, तो वो एक हमारा गरम तासीर का जो ऑयल है वो तैयार हो जाता है। अब जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, वो लोग क्या करें, हल्का हल्का ल्यूक वार्म अपनी पीठ पर और अपनी छाती पर इस तेल से रेगुलरली दिन में 2 बार मसाज करें और छाती की लपेट बांधें, जो लपेट हम पेट के लिए कहते हैं, तो इससे जो है हमारा जो लंग कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लंग्स है वो इम्प्रूव होगी। ये हमारी ब्रोंको जो मसाज है
जो वॉर्म ऑयल मैंने, ये ब्रोंको डायलेटर का काम करेगा, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स जो कंजेस्टेड हो जाते हैं, म्यूकस है, तो वहां का म्यूकस पिघलेगा मसाज के हीट से, ऑयल के हीट से, लपेट से, तो आपका कंजेशन धीरे धीरे होगा। जब वहां से आपका ऑक्सीजन इंटेक ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो टॉक्सिन्स है वो बहुत अच्छे से रिमूव होगा। आपका जो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जब बढ़ती है, आपका जो हेमोग्लोबिन है वो आपका इंप्रूव होगा। सच अ मार्वलस इंपैक्ट दिस कैन डू। और इस तरह से आपका जो है कंधे पे शोल्डर, जैसे आजकल फ्रोजन शोल्डर्स है और क्या कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, और इस तरह के जो हमारे पोस्चरल डिफेक्ट्स हैं, अगर हम कंधों पर, हमारे गर्दन पर, शोल्डर्स पर इस तरह से अगर हम मसाज करते हैं, तो इमीडिएटली थोड़ा प्रेशर के साथ जब मसाज इस पूरे एरिया को नेक के बैक पे दिया जाता है, तो हमारा स्ट्रेस, हमारा कंजेशन, यहाँ की जो स्टिफनिंग, और कई बार स्ट्रेस से भी ये एरिया की नर्व्स एकदम स्टिफ हो जाती हैं, एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ड्यू टू स्ट्रेस भी होता है। तो जब वहां पर हम हल्के तेल गुनगुने से मसाज करते हैं, तो वहां की जो है जो मसल्स हैं, वहां पे जो नर्व्स हैं, वो रिलैक्स होती हैं, एंड व्हेन दे आर रिलैक्स्ड देन द वेसल्स आर डायलेटेड एंड द प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड द प्रॉपर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। एंड ऑलवेज रिमेंबर, वेर एवर देयर इज पेन, वेर एवर पार्ट इज एकिंग, देयर इज सम कंजेशन, चाहे वो घुटनों का दर्द है, चाहे वो आपके कहीं जॉइंट्स का दर्द है, तो कहीं कंजेशन है, उस कंजेशन को दूर करने के लिए आपको जो है मसाज और ये गरम तेल का प्रयोग यदि आप करेंगे, तो इस तरह से आपका। अब बहुत सारे तेलों के जो है कंकॉक्शंस है कि भाई आपका, जैसे फॉर एग्जांपल, और एक इम्पॉर्टेंट बता दूं कि जो हमारी ह्यूमन स्पाइन है वो दैट इज द साइट ऑफ मिरेकल्स, यानी कि सारे हमारा ब्रेन से जुड़ी स्पाइन और स्पाइन से सारी नर्व्स निकल रही हैं, जो हमारे एक एक अंग प्रत्यंग को जिसे कहते हैं कंट्रोल कर रही हैं, जो कि हमारा पूरा कंट्रोल हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के है। तो जो ह्यूमन स्पाइन इज अ सीट ऑफ मिरेकल्स, तो सारे चक्र वहां हैं, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो सारे हमारे स्पाइन के थ्रू ही काम करते हैं, और अगर ये स्पाइन प्रॉपरली अलाइंड है तो वहां पर जो वाइटल फोर्स है, जो प्राण ऊर्जा है, वो अच्छे से फ्लो करेगी और इट विल लीड टू एनर्जेटिक लाइफ। सो प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ मसाज ऑफ द स्पाइन, इसका हमारे जो है जीवन में बहुत बड़ा, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब भी मसाज कराएं तो किसी ट्रेंड प्रोफेशनल से कराएं, नहीं तो आपको फायदा होने के नुकसान हो सकता है। और कुछ मैं जनरल फॉर्मूलाज मसाज के फटाफट बता देती हूँ, द टाइम इज ऑलमोस्ट अप। सो जनरल बॉडी मसाज के लिए आप तिल का तेल लीजिए, चाहे सरसों का तेल लीजिए, और उसमें आप सैंडलवुड ऑयल मिला सकते हैं, और सरसों के तेल में आप वीट जर्म ऑयल मिला सकते हैं। अगर आपकी अब जैसे सर्दी आ रही है, ड्राइनेस है, तो आप तिल के तेल में सेसमी ऑयल में वीट जर्म ऑयल मिलाकर, और या फिर तिल के तेल में आप बादाम का तेल मिलाकर, या कोकोनट ऑयल में वीट जर्म ऑयल मिलाकर आप ड्राइनेस के लिए ये ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आपको अपनी मेमोरी को शार्प करना है तो ब्राह्मी का तेल, ब्राह्मी और आंवला का तेल मिलाकर आप जो है, और इस ब्राह्मी और आंवला के तेल में आप जो है आलमंड ऑयल भी मिला सकते हैं। इसके साथ साथ जहां पर कोल्डनेस या नमनेस, या जहां स्पेशली डायबिटिक पेशेंट है, उनके पैरों में सेंसेशन और लूज हो जाती है, नमनेस आ जाती है, तो वहां जो अफेक्टेड एरियाज है, तो वहां पर वो तिल के तेल में कैम्फर मिलाकर या यूकलिप्टस ऑयल मिलाकर लगा सकते हैं। और याद रखिए, ये यूकलिप्टस ऑयल जो है ये चेस्ट पर, अस्थमा में, कोल्ड कफ में भी बहुत बहुत लाभकारी है। और अगर जिनके शरीर में एक्सेस हीट है, बहुत हीट है लगता है कि, तो उनको जो है तिल के तेल में एसेंस ऑफ रोज उनको डाल के
उसकी मसाज करनी चाहिए। कोकोनट ऑयल में पम्पकिन सीड ऑयल मिलाकर इस तरह से यूज करना चाहिए। और हेयर ग्रोथ के लिए यू कैन यूज द भृंगराज ऑयल। भृंगराज ऑयल ये आप यूज करें, ब्राह्मी का ऑयल यूज करें, आलमंड ऑयल यूज करें। इस तरह के कोकोनट ऑयल इज एवर ग्रीन फॉर ऑल पर्पस, आप वो हमेशा यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फॉर योर हेयर एंड एवरीथिंग। सो विद दीज वर्ड्स आई एंड माई सेशन, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन वी कैन हैव अ गिव आंसर टू दैट। हेलो हेलो मैम, मैम ठंडियों में कोकोनट ऑयल तो स्किन में जम जाता है, तो जो रोए छिद्र होते हैं उसमें तो वो जम जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप मसाज करते हो पहले तो कोकोनट ऑयल को पिघला के करते हो, और फिर उसके बाद जब मसाज करते हो तो बॉडी हीट से वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका काम खत्म, वो वहीं पड़ा नहीं रहता। आपने रब करना है और बॉडी हीट से थ्रू आउट विंटर हम देते हैं कोकोनट ऑयल का मसाज भी देते हैं, बट हाँ ये